नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। आनंद कर्निश जी द्वारा रचित 1000 सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है उस दिव्य स्त्री तत्व के तीन आनंद। और पिछले एपिसोड में हमने तीनों आनंदों का थोड़ा थोड़ा जिक्र किया था। दिव्य स्त्री तत्व तीन रूपों में हमारे सामने आता है दोस्तों। पहला है कन्या रूप, दूसरा स्त्री का रूप, और जब मैं कहती हूँ दूसरा स्त्री का रूप, एक संपूर्ण रूप से डेवलप हुई एक स्त्री का रूप, और तीसरा जो है अंग्रेजी में उसे मैट्रन कहते हैं दोस्तों, स्त्री जो प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में है। तो यहाँ पर आनंद कर्निश जी का माँ से प्रश्न है कि ये जो तीसरा स्टेज है जहाँ पर जिसे मैट्रन कहते हैं, स्त्री के वृद्धावस्था पर पहुँचने पर उसका जो दिव्य रूप है, उसके बारे में माँ ने बहुत सुंदर रूप से जिक्र किया था पिछले एपिसोड में। अगर आपको याद हुआ होगा तो माँ ने कहा था कि ये जो तीसरा रूप है स्त्री का, ये एकदम संपूर्ण रूप है, क्योंकि नारी स्थिति तक पहुँचते पहुँचते जीवन के हर अनुभव से गुजर चुकी होती है, और वो एक ऐसा घड़ा है जो बिल्कुल भरा हुआ है, और जब वो घड़ा छलकता है तो उस प्रेम से उसके चारों ओर जो भी होता है वो उस प्रेम से उनको छू देती है। तो एक छलकते हुए घड़े की तरह, एक घड़ा जो बिल्कुल भर गया है और ओवरफ्लो हो रहा है, जो अपने आप को ही नहीं तृप्ति देता बट अपने चारों ओर को भी तृप्ति देता है। तो यहाँ पर उनके कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पर प्रश्न में, कि आनंद कर्निश जी माँ से ये पूछ रहे हैं कि माँ, ये जो तत्व है ये वृद्धावस्था में स्त्री का, जैसे आपने कहा कि इनका जब प्रेम छलकता है तो जिस पर भी ये स्पर्श करता है वो बिल्कुल इस प्रेम में डूब जाते हैं, तो अगर ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो तो इससे ज़्यादा लाभदायक होगा कि ये छलकता हुआ प्यार समस्त विश्व के लिए हो, तो क्या इसका लाभ ज़्यादा है? तो यहाँ माँ कह रही है, हाँ बेटा, हम एक क्षण के लिए मान ले, या मैं तुम्हें उन दिनों तक ले जाना चाहती हूँ जब मैं पर्वतों पर ऊंची चोटियों पर रहती थी, सारे दिन वहीं गुजारती थी। उस समय पर मैं इस तीसरे एस्पेक्ट में थी। वहाँ पर मैं उन ऊंचे पर्वतों पर अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए वहाँ पर रहती थी, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ऊंचे पर्वतों पर उच्च प्रकंपन ही पहुँच पाते हैं। तो माँ ये कह रही है कि मैं उस अवस्था में उन पहाड़ों पर रहना पसंद करती थी। उन पर्वतों पर रहने का माँ का एक और भी एक कारण है कि समस्त विश्व से वो संबंध बनाए रख सकती है उस उच्च पर्वतों पर रहकर। माँ कहती है पृथ्वी माता भी यही करती है कि पृथ्वी पर ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर पृथ्वी माता की जो उष्ण शक्ति है, जो गर्म शक्ति है, वो छलक कर प्रवाह से सबको हील करती है, और लोग ऐसे जगहों पर जाते हैं कि ये पवित्र स्थान मान कर जाते हैं। तो यहाँ पर माँ ये कह रही है कि धरती माता भी अपने अंदर के हीलिंग एनर्जी को पृथ्वी में कई जगह में, उन हीलिंग एनर्जी को बाहर लेकर आ रही हैं, और ऐसे जगह जहाँ पर ये हीलिंग एनर्जीज माँ धरती माँ बाहर प्रदर्शित करती हैं वो पवित्र स्थान बन गए हैं। माँ कहती है ये ही तीसरा पहलू है स्त्री तत्व का,
माँ कहती है कि जो स्त्री है वो ये तीनों दौरों से गुजरती है, जब तक वो तीसरे दौर तक पहुंच जाती है जो उनका वृद्धावस्था है। सामान्य रूप से हर एक स्त्री संपूर्ण रूप से विकसित होती है, पर अगर किसी स्त्री को संपूर्ण रूप से विकसित होने का मौका नहीं मिला तो इस अवस्था में वो पहले अवस्था तक पहुंच जाती है मानसिक रूप से। और पहला अवस्था क्या है दोस्तों? जैसे हमने पहले भी कहा था, पहला अवस्था है बाल्यावस्था। तो यहाँ पर माँ फिर याद दिला रही है कि पहला अवस्था है एक कन्या अवस्था, दूसरा अवस्था है एक संपूर्ण रूप से विकसित हुई नारी का, जिसे अंग्रेजी में मेट्रन कहते हैं, और तीसरा जो है अंग्रेजी में क्रोन कहते हैं, जो वृद्धावस्था में स्त्री है। तो माँ ये कहती है कि अगर ये क्रोन अवस्था तक पहुँचते पहुँचते, वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते, अगर स्त्री को संपूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ तो वो दोबारा मानसिक रूप से कन्या अवस्था में बदल जाती है। माँ कहती है कि अगर तुम अपने चारों ओर के समाज को गौर से देखो या किताबों में ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो तो ऐसे उदाहरण काफी आपको मिलेंगे। आनंद गणेश जी ने जो प्रश्न पूछा उसका माँ ने इतने सुंदर तरीके से समाधान दिया है। दोस्तों हम देखते हैं काफी वृद्धावस्था में स्त्रियां बिल्कुल बच्चों जैसे बन जाती हैं, तो उनके बच्चों जैसे बनने का कारण यहाँ माँ हमें बहुत विस्तार रूप से बता रही हैं। तो आनंद गणेश जी आगे बढ़कर माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ, कुछ धर्मों में ये जो आपने तीन अवस्था बताए हैं, कन्या अवस्था, एक संपूर्ण रूप से विकसित स्त्री का अवस्था, और तीसरा अवस्था जो है वृद्धावस्था, उसको चंद्रमा चंद्रमा के तीन अवस्थाओं से उनकी तुलना की है। एक जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ता हुआ चांद, दूसरा अवस्था पूनम का चांद, और तीसरा फिर से पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ता हुआ चांद। तो एक जो पहला अवस्था है उसमें चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है पूर्णिमा की तरफ, और जब एक बार संपूर्ण हो जाता है वो पूर्णिमा का स्टेज है, और उसके बाद पूर्णिमा से जब धीरे धीरे अमावस की तरफ बढ़ता है चांद तो धीरे धीरे घटता घटता जाता है। तो बढ़ता हुआ चांद, पूनम का चांद और घटता हुआ चांद। तो आनंद गणेश जी ये कह रहे हैं कि क्या हम जैसे धर्मों में बताया है, कुछ धर्मों में स्त्रियों की तुलना चांद के साथ की गई है, पर माँ आपने कहा है कि ये जो तीन अवस्था है उसको आपने सूर्योदय, मध्याह्न दोपहर का सूर्य और सूर्यास्तमय के सूर्यों से आपने उसकी तुलना की है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्यों इस तुलना में ये अंतर है कि कुछ धर्मों में स्त्रियों को चांद से उनकी तुलना की गई है, पर आपने हमें स्त्रियों के तीन अवस्थाओं की तुलना सूरज के दशाओं से की है? तो क्या आप ये अंतर बता सकते हैं कि तुलना में सूरज और चांद को क्यों अलग-अलग जगह लिया गया है? तो माँ कहती हैं कि जैसे जैसे समाज पितृसत्तात्मकता की तरफ बढ़ने लगा, कुछ पुरुषों ने अग्नि तत्व को पुरुषत्व की शक्ति के साथ जोड़ना शुरू किया, तो पितृसत्तात्मक समाज की ओर बढ़ता हुआ जो समाज था उसमें जो पुरुष थे उनमें से कुछ पुरुषों ने यह निश्चय किया कि जो अग्नि तत्व है बड़ा पावरफुल दिखता है उसको पुरुषत्व की शक्ति के साथ ही जोड़ना है। तो इसीलिए सूरज में अग्नि नजर आती है, तो यहां पर पुरुषों का अग्नि का तात्पर्य पुरुषत्व के साथ है, इसीलिए देवी के जो तीन पहलू हैं जो स्त्री के तीन दशाओं से दिखते हैं उन्हें चंद्रमा के साथ तुलना करना शुरू कर दिया, क्योंकि सूर्य को सूर्याग्नि को पुरुषत्व की शक्ति के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और स्त्री को चंद्रमा के साथ। तो इसीलिए जो देवी शक्ति के तीन दशा हैं जिसे स्त्री के तीन दशाओं में देख सकते हैं, उन्हें बढ़ता हुआ चांद, पूनम का चांद और घटता हुआ चांद, इस तरह उनका इस तरह चंद्रमा से तुलना करने की बात शुरू हुई।
माँ कहती है कि ये जो पितृसत्तात्मक समाज के जो धर्म थे, उन्होंने पैशन को भी, पैशन मतलब जुनून, जुनून को भी अंधकार से जोड़ना शुरू किया, क्योंकि वो मनुष्यों के, मानव जाति के मन में ये बात लेके आना चाहते थे ताकि स्त्रियां अपने जुनून अपने पास ही रखे। इसलिए जुनून को रात्रि के अंधकार के साथ जोड़ना शुरू किया। जिस प्रकार रात्रि अंधकार में सब चीजें छुपी रहती हैं, इसी प्रकार संदेश ये दिया गया कि ये जो जुनून है वो भी रात्रि के अंधकार की तरह छुपा ही रहना चाहिए। तो इसीलिए धर्मों के इस प्रकार के सोच और गतिविधि के कारण जब कोई स्त्री दूसरी दशा में रहती है, जहां पर स्त्री संपूर्ण रूप से विकसित होती है, भले ही वो एक चमकते हुए सूरज की तरह होती है, पर पुरुषाधिक्य समाज में वो नहीं चाहते कि स्त्री जो संपूर्ण रूप से विकसित है, जिसे अंग्रेजी में मेट्रन अवस्था कहते हैं, ऐसे अवस्था में वो स्त्री चमकते हुए सूरज के साथ उसकी तुलना हो। पर माँ वास्तविकता में ही, माँ कहती है कि वास्तविकता की बात यह है कि एक संपूर्ण रूप से विकसित स्त्री एक चमकते हुए मध्याह्न के सूर्य की तरह है, जो हर एक जुनून को बिना कोई लज्जा के अपने आप में समा कर रखती है। ऐसे अवस्था में स्त्री को अपना जुनून दिखाने के लिए, अपना पैशन दिखाने के लिए उन्हें कोई लज्जा अनुभव नहीं होता। इसीलिए उनका ये जो रूप है उसे चमकते हुए मध्याह्न के सूर्य के साथ तुलना की गई है। पर पितृसत्तात्मक समाज में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि स्त्री अपना जुनून व्यक्त करे, उन्होंने सबसे पहले स्त्रियों की तुलना चांद चंद्रमा से करना शुरू किया और दूसरा सारे जुनून को रात्रि के अंधकार के साथ जोड़ दिया। तो यहां पर माँ कहती है कि जो देवी शक्तियों के तीन पहलू जो स्त्री के रूप में व्यक्त होते हैं, मुझ में वो तीनों पहलू हैं। मुझ में ही नहीं, पुरोगमन प्राप्त हुए हर एक देवी शक्ति में ये तीनों एस्पेक्ट्स उनमें देखे जा सकते हैं। पर माँ कहती है मेरे में मेडन है, कन्या अवस्था है, मेरे में मेट्रन है, एक संपूर्ण विकसित स्त्री की अवस्था है, एक क्रोन है, वृद्धावस्था है स्त्री की। पर जब मैं अपने आप को व्यक्त करना चाहती हूं तो मैं दो रूपों में व्यक्त करती हूं, पहला कन्या अवस्था में और दूसरा मेट्रन संपूर्ण रूप से विकसित स्त्री की अवस्था में। तो ये मेरी चॉइस है कि मैं इन तीनों अवस्था में से किन अवस्थाओं को चयन करती हूँ अपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, कई जगह, कई हमारे हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो माँ की अवस्था को कन्या अवस्था में, कन्या के रूप में हम माँ का दर्शन कई जगह देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, नवरात्रि में भी जब माँ की पूजा होती है तो कन्या की पूजा होती है। तो ये इसलिए क्योंकि माँ ने अपने आप को कन्या के रूप में व्यक्त किया है, और अगर हम माँ को कन्या के रूप में नहीं देखते तो एक संपूर्ण रूप से विकसित स्त्री का रूप देखते हैं। तो माँ यही कह रही है कि मैंने अपने आप को इन दोनों रूपों में व्यक्त करने का चॉइस किया है। तो माँ ये कहती है कि आप लोग जब विजुअलाइज करते हैं मुझे, तो या तो एक कन्या के रूप में करते हो या फिर एक विकसित स्त्री के रूप में करते हो। तो जब भी आप मुझसे जुड़ने की कोशिश करो तो इन दो अवस्था में से आप कोई भी अवस्था के रूप में मुझे विजुअलाइज करके, मेरी भावना करके, मेरी कल्पना करके मुझसे जुड़ सकते हो। माँ कहती है कि कन्या के रूप में जब मैं अपने आप को व्यक्त करती हूँ तो मेरे स्त्री तत्व में एक तरह का संपूर्ण ओपननेस है, क्योंकि ये कन्या का रूप है, उसमें एक सेंसुअलिटी है, बहुत ही सुन्नी तत्व, और उस अवस्था में कोई शर्म की बात नहीं है। और जब कन्या अवस्था में कोई रहता है तो अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करता। तो मेरा ये जो कन्या अवस्था है,
जिस रूप से अपने आप को प्रदर्शन करती हूँ वो बहुत ही एक डेलिकेट और सेंसुअल रूप है मेरा, और मेरे इस कन्या अवस्था में जो मेरा स्त्री तत्व है वो बड़ा खुला रूप का स्त्री तत्व है। अगर आप छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनका भी यही स्वभाव होता है, वो किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्होंने उस कन्या अवस्था में अभी तक ये सीखा नहीं है कि स्त्री का कोई ऐसा तत्व है जिसे छुपाना है। तो स्त्री का ही नहीं, वो नहीं जानते कि मानवता में ऐसी कोई चीज़ छुपाने लायक है। तो इस कन्या अवस्था में बड़े ही खुले तरीके से अपने स्त्री तत्व को माँ प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि बच्चों का रूप ही ऐसा है। अगर बच्चों को खुले रूप से बढ़ने का अवसर दिया जाए तो वो बड़े ही सुंदर रूप से अपना स्त्री तत्व बिना शर्म के बढ़ते हुए प्रदर्शित करते हैं। जब तक मानव उन बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं कि अपना स्त्री तत्व को छुपाने की आवश्यकता है या नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब तक वो बड़े खुले रूप से बढ़ते रहते हैं। पर जैसे ही समाज ये बता देता है कि ये लज्जा की बात है, ये लज्जा की बात नहीं है, धीरे धीरे समाज की बातों को बच्चे मानने लगते हैं और धीरे धीरे उसे अपनाने लगते हैं। और माँ कहती है कि ये जो मेरी कन्या अवस्था है, कन्या का रूप है, ये बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और इस रूप में मेरा रूप बड़ा ही सादगी और आनंद से भरा हुआ रूप है, क्योंकि ये एक कन्या का रूप है और जो छोटी लड़कियां होती हैं वो बड़े आराम से खिलखिलाती हुई आनंद से, देखिए आप छोटे बच्चों को कहीं भी देखिए, लड़कियों को आराम से खेलती हुई कूदती हुई वो जो भी करते हैं उसमें समाकर बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो माँ कहती है कि ये जो मेरा रूप है, कन्या का रूप, वो भी ऐसा ही रूप है, और इस रूप में मेरे चारों ओर ऐसी कोई भी एनर्जी आपको नहीं प्राप्त होगी जो मृत्यु से जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि ये जो कन्या का रूप ही ऐसा होता है, ये छोटे छोटी कन्या का रूप है, और ऐसे समय पर बच्चों को मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। और इस रूप में कन्या, जब कन्या रूप में स्त्री रहती हैं तो वो बड़े खुले तरीके से अपने आनंद को महसूस करते हैं, अपने स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। तो माँ कहती है मेरे इस रूप में भी आप वो आनंद को दर्शा पाएंगे, वो उस स्वतंत्रता को दर्शा पाएंगे, और ये जो रूप है, ये जो मेरे स्वतंत्रता का रूप है, वो मुझे माँ धरती माँ से प्राप्त होता है, मुझे ही नहीं सारे स्त्रियों को उस कन्या रूप में वो आनंद और वो स्वतंत्रता धरती माँ वसुधा माँ के पास से प्राप्त होता है। और माँ कहती है कि जब स्त्री इस कन्या रूप में रहती है तो वो जो चाहती है उसे मैनिफेस्ट कर पाती है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी बड़े उच्चतम कोटि की रहती है इस समय पर, क्योंकि ऐसे अवस्था में स्त्री के पास कोई नकारात्मक, उस कन्या अवस्था में कन्या के पास कोई भी नकारात्मक सोच नहीं रहते, इसलिए वो जो भी चाहते हैं बड़े खुले रूप से सकारात्मक सोच के साथ उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और जब कन्या अपने सकारात्मक सोच और सकारात्मक भावनाओं के साथ रहती है, ये पॉजिटिव इमोशंस पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो ऐसे समय पर उस स्त्री पर कोई कर्म का बोझ नहीं रहता, क्योंकि वो अपने सोच व्यवस्थाओं से, नकारात्मक सोच व्यवस्था या समाज की सोच व्यवस्था से नहीं जुड़ी रहती, क्योंकि इस समय पर कन्या अपने बिल्कुल सकारात्मक भाग से जुड़ी रहती है, कोई सोच विचार नहीं, कोई बिलीफ सिस्टम से नहीं जुड़े रहने के कारण उन पर कर्म का बोझ इस अवस्था में नहीं रहता। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज गौर करने की है कि कर्म का बोझ तभी हम ढोते हैं जब हमारे बिलीफ सिस्टम, समाज के बिलीफ सिस्टम, हमारे बिलीफ सिस्टम से हम फंसे रहते हैं या हमारे सोच व्यवस्था में फंसे रहते हैं। तो माँ कहती है कि इस कन्या अवस्था में उस कन्या के पास बड़ा ही गहरा इंट्यूशन
होता है और वो स्वर्ग लोकों से बहुत समीप रहती है कन्या अवस्था में स्त्री। माँ कहती है कि ऐसी अवस्था में उस स्त्री का अपने और उच्चतम लोकों के साथ संबंध हमेशा बना रहता है। तो इस कन्या अवस्था का इतने सुंदर तरीके से माँ हमें यहाँ पर विवरण दे रही है। तो आनंद कर्णेशी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, पुराणों में हम देखते हैं, पुराणों में हम सुनते हैं कि भगवान विष्णु के साथ आपका संबंध बनने के पहले आप कई और देवों के साथ भी रहे हैं, तो जब आप विष्णु भगवान से पहले जब आपके संबंध थे तो उस अवस्था में क्या आप कन्या अवस्था में थी या फिर संपूर्ण रूप से विकसित स्त्री के रूप में थी? तो यहाँ आनंद कर्णेशी का प्रश्न ये है कि भगवान विष्णु से शादी करने के पहले माँ आप कई और देविक शक्तियों के साथ भी थी, उस समय आपकी अवस्था कन्या अवस्था थी या संपूर्ण रूप से विकसित स्त्री का रूप? तो यहाँ पर माँ का समाधान सुनते हैं दोस्तों। माँ कहती है कि मैं कई संबंधों में, कई रिलेशनशिप्स में रही हूं, पर लैंगिक रूप से मैंने उन संबंधों को नहीं देखा। जितने भी संबंध थे वो सेक्सुअलिटी के परे थे, बियॉन्ड। तो इस रूप से आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी संबंध थे विष्णु भगवान से शादी के पहले वो सब मेरे कन्या अवस्था में थे, और जिनके साथ मेरे संबंध थे इस कन्या अवस्था में उसमें से ऐसे पुरुष थे जो बड़े ऊंचे सोच रखते थे, कुछ थे जो सैनिक थे, कई महान पुरुष थे और कुछ ऐसे थे जो विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। मैंने उन सारे लोगों के साथ संबंध रखा जिनके पुरुषत्व की शक्तियां पंच तत्वों से, पंचभूतों से जुड़ी हुई थी, जैसा कि जल, अग्नि, भूमि, वायु। इन पुरुषत्व की शक्तियों से संबंध रखने का मेरा मकसद ये था ताकि मैं उनके जरिए पुरुषत्व के सभी पहलुओं को जान सकूं और पुरुष मेरे हर एक तत्वों को जान सके। तो माँ कहती है गर्भ धारण की जो पद है, ये जो वर्ड है, इसका सही अर्थ यही है कि पुरुष के हरेक तत्वों को प्राप्त कर सके और उन सभी तत्वों में से सबसे उच्चतम तत्व जो है उसे मैनिफेस्ट कर सके। मैनिफेस्ट करने का मतलब है उसे सृजनात्मक कर सके, उसे क्रिएट कर सके। और माँ कहती है सरस्वती माँ का भी यही मार्ग था। तो दोस्तों आज के एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर यही मिलेंगे। धन्यवाद।